जर्मनी इज लाइक। तो दोस्तों अपने राजस्थान के फेमस कलाकार पन्ना सेपट जी मिल चुके अपने ब्लॉग में। इस ब्लॉग को देख रहे हो आप सभी से निवेदन करूंगा पुष्कर राज के मेले में जरूर आए और घोड़ा घोड़ी ऊंटनी खरीदे। पधारो हमारे राजस्थान में। सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा घोड़ा और इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा है। तो गाइस फाइनली हमें 7 करोड़ का घोड़ा फरजान मिल चुका है। पूरा सेक्शन ऊँटों का है, यहाँ पर ऊँटों की बोली लगती है। और ये है 25 लाख का ऊँट। 60 करोड़। करोड़ हाँ 60 भंबर काली टीके की। पाड़े आगे पाड़े आगे पाड़े आगे पाड़े आगे गुस्से में पाड़े। हाय आ रहे हैं पहले वो था मंदिर गाइस सामने देख लो आप। अच्छा जय माता दी। दोस्तों देखो जर्मनी के सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो हे गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको लेके जाऊंगा संसार के सबसे बड़े पशु मेले में। दोस्तों वहाँ पशु मेले में बहुत महंगे महंगे जानवर आए, बहुत महंगे महंगे वो जो लंबरगिनी गाड़ी आती है ना उससे भी महंगे महंगे जीव आए वहाँ पे। 7 करोड़ का घोड़ा भाई साहब, 7 करोड़ का घोड़ा किसे कहते हैं? 2-3 लंबरगिनी आ जाएगी, 4 करोड़ की आती है ना शायद, पता नहीं कितने की आती है, पर 7 करोड़ का घोड़ा दिखाऊंगा। दोस्तों तो कल तो आए थे हम लेट को, तो आते से सो गए और होटल का टूर देता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ होटल कैसी थी हमारी। ये डबल बेड है जो हमने जोड़ लिए थे, हम 5 जने भाई थे, ये खड़े 5 भाई। अभी हम में से कोई भी नहीं नहाया है, अब नहाने जाएंगे लेक में, झील में नहाने जाएंगे। और ये हमारा बाथरूम है, दूर से दिखा देता हूँ। इतना सा बाथरूम है ऐसा कुछ, ये था रूम टूर। तो गाइस अभी तो कुछ ऐसा सीन है मेरा, बाकी अभी नहाने के बाद पता चलेगा कैसा सीन होने वाला है। वही अपन यूट्यूब की टी शर्ट पहन लेंगे वही। तो भैया प्रदीप भाई का कहना है कि छत का व्यू बहुत शानदार है, तो ये हमें छत पे लेके जा रहे हैं छत का व्यू दिखाने। और वो यहाँ पे तो वाइब भी अलग है यार, पुरानी कारीगरी कर रखी है भाई यहाँ पे तो, कैफे वगैरह। प्रदीप भाई जाने कहाँ लेके जा रहे हैं हमें ऊपर। तो सुबह सुबह उठते मैं तो छत पे आया हूँ, देखो सामने एक पहाड़ पे एक मंदिर है और एक प्राचीन मंदिर ये है, ये भी काफ़ी शानदार मंदिर है। और बाकी देखो भाई साहब क्या शानदार व्यू है यार, हमारी होटल से बाहर का नज़ारा देखो। मार्केट में ही थी होटल और काफ़ी शानदार कर रखा है मार्केट गाइस, और एग्जाम्पल मिल रहे हैं यहाँ पे भी। और ये सूर्यदेव आपको प्रणाम। दोस्तों अब हम जाएंगे नहाने फटाफट से झील में, बढ़िया कूद कूद के नहाएंगे, तरने का सीन होगा तो दिखाएंगे आपको भी, और खूब खुद भी तैरेंगे आपको भी तैराएंगे, तैर तैर के नहाएगा ना। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं झील के पास, काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है देख लो आप झील का यार, चारों तरफ से पहाड़ है चारों तरफ से। और देखो भाई साहब सीन यहाँ का यार, क्या ही अच्छा सीन है, क्या ही तगड़ा सीन है। देखो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में लेके, और आसपास बहुत सारे घाट बने हुए हैं दोस्तों, काफ़ी संख्या में घाटों की संख्या है यहाँ पर। दोस्तों देखो जर्मनी के सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, बोल दो सब्सक्राइब सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो अब हम आ चुके हैं झील के एकदम बीच में, यह है बीच का वाला सीन, इधर देखो यहाँ से बहुत तगड़ा नज़ारा दिखता है दोस्तों घाट का यार, मज़ा आ रहा है मतलब व्यूज़ देखो आप क्या सीन है यार। बाकी देख लो यहाँ पे बहुत सारे घाट है दोस्तों, अभी हम खड़े हैं 108वें घाट पे, महादेव घाट पे, और देखो कुछ यहाँ से ऐसा सीन है इसका। और ये देखो महादेव घाट गाइस, हम आ तो कल ही चुके थे यहाँ पर हमने ये व्लॉग अलग डालेंगे और वो व्लॉग अलग डालेंगे, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है तो इंटरेस्ट नहीं आता है दर्शकों का, देखने का मज़ा नहीं आता है। दोस्तों ये प्रॉपर पुष्कर का व्लॉग मैं अलग से डालूंगा, और जो कल ट्रेवलिंग का व्लॉग था वो अलग से आएगा। और गाइस आज है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर के दिन हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ घूमेंगे, आज संडे का दिन है तो आज प्रॉपर भीड़ होने वाली है यहाँ पे मेले में। बाकी फॉरनर्स को भी मिलाऊंगा मैं आपको वीडियोस में, उनको भी लेऊंगा। दीप जी तो चल गए डुबकी लगाने, इन्होंने तो लगा लिया डुबकी। ओह भाई साहब ये तो नाली है गंगा जी, मजा आया। आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ। दोस्तों काफी ठंडा पानी है, मेरे को ठंड लग रही है, वो छीटा मत दीजिए भाई। तो गाइस हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अब निकलते हैं फटाफट मार्केट में, पहले नाश्ता करेंगे चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद घूमेंगे अपन मेला देखने और बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन करने। तो गाइस चलो फटाफट से, देखो ऐसा कोई जगह हो चुका है। तो गाइस आपको जैसे पता है कल के लूडो के गेम में प्रदीप भाई ट्रेन में हार चुका था, तो वो अभी नाश्ता कराएगा सुबह का, अपना इसने कहा था जो पीछे रहेगा वो नाश्ता कराएगा, तो ये हार चुका था अपन को नाश्ता कराने आया है। ये है कुछ पोया का सिस्टम, बनवा दे फटाफट बनवा दे 20-20 के। लो जी लो भैया आ चुकी है हमारी प्लेट, अब फटाफट खाया जाए बिना किसी देरी के। बाहर से कुछ ऐसा है हमारा होटल,
चल भाई अंदर चल। चलो तो लो जी लोग गाइस हम हो चुके हैं अब तैयार, अब फटाफट जाते हैं बाबा के दर्शन करने ब्रह्मदेव के, जो दोस्तों विश्व में एक मंदिर है, मात्र पूरे संसार में एक ही मंदिर है, वो हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है। तो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं फटाफट मंदिर, मंदिर में ले चलते आपको मार्केट भी दिखाऊंगा, मार्केट में क्या क्या सामान मिलता है। दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो की श्री नामदेव विट्ठल भगवान मंदिर पुष्कर से, बाकी जूम करके दर्शन कर सकते हो आप। बाकी दोस्तों यहाँ के मार्केट में हर एक तरह की चीज मिल जाएगी आपको, खाने पीने से लेकर फास्ट फूड वगैरह सब मिल जाएगा, सारी सुविधाएं देखो इधर सुट्टेबाजी सब मिल रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ की तो बैग वगैरह काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ पे, बैग्स इधर से, ये कपड़े, ये फॉरनर क्लोथ्स, ये 100 रुपये ओनली की टी शर्ट है। और देखो भाई साहब कितना अच्छा स्टॉक है यहाँ का यार। दोस्तों यहाँ पे एक से बढ़कर एक हुक्के, चिलम वगैरह, सिगार वगैरह सब है प्रॉपर। देखो पुरानी पत्थर की चिलम वगैरह सब मिल रही है यार। जय माता दी। भाव है ना ये, क्या भाव है? ये 50 रुपये का 10 ग्राम। और ये 40 रुपये का 10 ग्राम। अच्छा और ये क्या है? ओरिजिनल शिलाजीत। हाँ वो बेटी तुझे जरूरत है शिलाजीत की, ओरिजिनल है ब्लैक पत्थर। हाँ प्रूफ, प्रूफ चाहो मैं यहाँ पे प्रूफ मांग रही हूँ तू यार, समझाओ ना अंकल यार। आप ओरिजिनल हो, आपका कोई प्रूफ है? हाँ आधार कार्ड बना दिया। हाँ बना दिया जिसमें प्रूफ हो गया। हाँ कैसे खुलता है ये? खुलता नहीं, इसमें दबाएंगे ना तो अलग आवाज आएगी। कहाँ रही खुलता नहीं है, आवाज कैसे आती है? अच्छा ये सिस्टम है ये, वाह यार। देखो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध देसी घी के माल पूरे निकल रहे हैं, पुष्कर की फेमस है दोस्तों ये मिठाई। देखो भाई लोगों कितनी भीड़ है यार। बेचारे प्रदीप के पिकू माँ के ओरिजिनल जूते हैं तो बेचारा अंदर अंडरग्राउंड सेफ्टी के साथ पत्तों के बीच में खोलेगा, फुल सेफ्टी होनी चाहिए भाई जूतों की, पहले भी जूते घूम चुके हैं बेचारे के। देखो अंडरग्राउंड में जूते करें, ये इसके जूते हम भी यही खोल देंगे। सही बात है भैया। तो ये 7 करोड़ का घोड़ा है दोस्तों, जो ये बकता रहता है सबसे आगे, 7 करोड़ का घोड़ा, लंबरगिनी भी फेल कर दी इसने। आई तगड़ी भीड़ लग रही है यहाँ पे तो यार, देखो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है दर्शन के लिए। बॉय शेर भाई अजीब चीजें मिल रही है यहाँ पे यार। दोस्तों फाइनली अब हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं, देख सकते हो हम जा रहे हैं। वो घोड़े रुके ना, 7 करोड़। जय ब्रह्मदेवाय नमः। फोटो वीडियो बनाना मंदिर परिसर में अलाउ नहीं है, बंद कर दो भाई मंदिर गाइस। पीछे से कुछ ऐसा देख लो आप, आगे से नहीं कर पाया वीडियो, मैं पीछे से दिखा दूं। तो दोस्तों मंदिर पर दर्शन तो कर लिए हमने, बाकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ बनाना अलाउ नहीं था। और तो और जो मेरा माइक था ना, वो भी पुलिस वाले अंकल ने बोला इसको भी बेटा बाहर खोल दे। मैंने कहा सर ये माइक नहीं है, मैंने कहा सर ये कैमरा नहीं है। उन्होंने कहा मुझे तो कैमरा लग रहा है तू खोल ले। गाइस यहाँ पर एक से बढ़ के एक चीज है सौंदर्य की, देखो यार। वो था मंदिर गाइस सामने देख लो आप। बहुत देर चलने के बाद फाइनली हम मेले के अंदर आ चुके हैं, अब मेले का माहौल दिखाते हैं आपको, यहाँ से मेले का माहौल दिखाऊंगा दोस्तों। हेलो हेलो गाइस। अरे भाई अरे एक ऊँट ये जा रहा वाला। तो दोस्तों आपको घोड़ सवारी के लिए यहाँ एक से बढ़ के एक सामान मिल जाएगा, देख लो घोड़े की नाल वगैरह, पिस्टन वगैरह सब है, कंघी वगैरह सब है घोड़े की, देख लो आप, सारे सामान मिल जाएंगे भैया के पास अवेलेबल, गद्दी वगैरह सब कुछ। कितने रुपए टिकट है? 1% 50 रुपए। अच्छा और डिस्काउंट? डिस्काउंट कुछ नहीं है, बेच नहीं रहे हम जो डिस्काउंट दे रहे। अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा आर्ट। अच्छा ये ऊँट वगैरह ऐसे देखने को मिलेंगे अंदर? हाय आ रहे हैं, पहले बटम, पहले वो 7 करोड़ का घोड़ा देख के आएंगे, हॉर्स 7 करोड़ 7 CR। अब चलते हैं आपको 7 करोड़ का घोड़ा दिखाने, एक घोड़ा तो ये रहा, 7 करोड़। तो गाइस पशु मेले का माहौल, और एक घोड़ा हमारा गुम चुका है, वो अपनी घोड़ी की तलाश में है। अरे मिली क्या भैया तुम्हें घोड़ी तुम्हारे लिए? तो गाइस हम आ चुके हैं घोड़ों के पास, अब देखते हैं कौन सा है 7 करोड़ का। भैया 7 करोड़ का घोड़ा कहाँ है?
नहीं, हम तो अभी आए भैया। अच्छा, ये आपका बच्चा? अच्छा, वो बड़े वाले की बुरे वाले की क्या रेट है? एक का 5.5 एक का 6.5 6.5 लाख व्हाइट वाले की। तो आप फिर नकद ही लेते होंगे 6.5 लाख यहाँ पे? अच्छा, कहाँ के आप? मथुरा से आए हुए यहाँ? कितने घोड़े आपके पास? हमारे पास 20 20 घोड़े बिकते क्या यहाँ पे? अच्छा, 7 करोड़ का कहाँ पे आगे? तो गाइस, आपको हम इस ब्लैक हॉर्स की रेट बताते हैं, देखते हैं कितना एक्सपेंसिव है ये। भैया एक्सक्यूज मी भैया, हटे ना यार तू यार घोड़े। ये देखो, ये लात दे रहा है। हेलो, कितने का भैया? कितने का ये काला बादल? 2.5 लाख रुपए का काला बादल। बादल नहीं है, और घोड़ी है। घोड़ी है क्या? बादल ही है। अरे आवाज दे लगो बेटा, ये व्हाइट वाली 4 लाख की प्रॉपर व्हाइट है तो यार। अच्छा, इधर घोड़ी है, उधर घोड़े हैं। अच्छा, ये सारी आपकी है? ये देख लो भैया के, साला सारा कलेक्शन भैया का है। वो यार कितनी चमक रही है दोस्तों, देख लो यहाँ पे प्रॉपर छोटे से लेके बड़े घोड़े सब मिल जाएंगे आपको। एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देखो व्हाइट घोड़ा और एक व्हाइट घोड़ा ये रहा हमारे साथ। 7 करोड़ का घोड़ा कहाँ है? 7 करोड़ का आगे। तो दोस्तों, मैं आपको लाखों के घोड़े बता रहा हूँ, अब आगे जाऊंगा दोस्तों आपको 7 करोड़ रुपए का घोड़ा दिखाने, उसका नाम भी बताऊंगा, उसका नाम भी रख रखा है उनके मालिक ने कुछ। तो दोस्तों चलो, और ये है 25 लाख का ऊंट, इसको भी देखो आप। भैया कितने का ये? ये तो महाराणा प्रताप का घोड़ा लग रहा है भाई। कितने का ये? ये कितने का है? 8 लाख दोस्तों, ये घोड़ा है 8 लाख रुपए का। और वो वाला 6.5 लाख रुपए का। वो 7 करोड़ वाला कहाँ है अंकल? 7 करोड़ का भी ना एक? वो आगे रोड पे, आगे रोड पे। और ये काला बादल, ओ बच्ची की है? अभी बच्ची है, अभी बच्ची है इतनी बड़ी? नाकन ऊपर की है। एक मिनट, हाँ रुक जाना, रुक जा। कितने की है ये? वैसे इसकी कीमत तो है 60 करोड़। 60 करोड़? करोड़ हाँ, 60 भंबर काली टीके की। अच्छा अच्छा, ये टीके की उम्र है करीब करीब 15 महीने 16 महीने। 16 महीने की है? 16 महीने की है। हकीकत हकीकत, जिसका बाप मौजूद होता है वो हरामी औलाद नहीं होती। अच्छा, 60 करोड़? जी हाँ दोस्तों, 7 करोड़? 7। अच्छा, 7। हाँ, 7 करोड़ का ये, तुम गलत सोच रहे हो। 25,000 रुपये क्या? 25,000 रुपये घोड़ी? 45 की देंगे, इससे कम नहीं देंगे। ये देखो दोस्तों, इधर भी ब्लॉक बन रहा है। चलो अपन अपना काम करते हैं, अपन 7 करोड़ का घोड़ा ढूंढते हैं। दोस्तों ये देख लो, पूरा प्रॉपर ब्लैक कलेक्शन है भैया के पास, पूरा ब्लैक कलेक्शन है, ब्लैक ही ब्लैक है टीके से ही। देखो आप गाइस, प्रॉपर ब्लैक, सारा कलेक्शन ब्लैक का है। कितने की भैया बच्ची? बच्चा है, परी बच्चा है क्या? कितने का है ये? 125 मतलब 1,25,000। अच्छा, और ये बड़ा वाला? 11 लाख का की? सबसे बड़ा जिससे ये क्या? केसरी ऑस्ट्रेलियन है ना? हाँ, उसकी बच्ची। अच्छा, वो सबसे बड़े के लिए, शो के लिए, दिखाने के लिए लाए हैं। अच्छा, वो बेचने का नहीं है? सुंदर घोड़े का बच्चा है। सुंदर घोड़े का बच्चा है दोस्तों, ये घोड़ा है जो बेचने के लिए नहीं है, केवल ये घोड़ी है। हाँ, घोड़ी इसका 25 लाख रुपए की है। अच्छा, 25 लाख रुपए की। इसमें क्या है खास? 65 हाइट है। अच्छा, मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी है। हाँ, और उसका उसका उस आगे वाले का बच्ची है, बच्ची है इसकी। अच्छा, इसके साथ की? हाँ, ये दिलशान की बच्ची है। अच्छा, इसका नाम दिलशान है? नहीं नहीं, वो बच्ची दिलशान की बच्ची का नाम है। इसका नाम महारानी नाम है। अच्छा, फेमस घोड़ा है। ये हो गया 6.5 साल का है। कितने साल तक जीते घोड़े? घोड़े कितने? घोड़े की कोई उम्र नहीं होती। 27-30 मिनिमम। घोड़े की कोई उम्र नहीं है, घोड़ा घोड़ी की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ओके दोस्तों, पाड़े आगे गुस्से में पाड़े। देखो दोस्तों, काफी संख्या में फॉरेनर पधार चुके हैं हमारे यहाँ पे। दोस्तों देख लो, पुष्कर में प्रॉपर रेगिस्तान वाली वाइब आ रही है। ये रेत ऐसी है, मतलब जूतों को ना तो छेड़ती है ना क्या है, बस स्मूथ चलते जाते जूते भी इन पे। गाइस देखो, पशु मेले में छोटे छोटे बूचरे भी है। पिल्ला ये गाय इसे देखो, रेत के टीले से बना रखी है संरचना। देख लो आप, दूर से दिखा देता हूँ आपको।
तो गाय इसे देखो यहाँ पे ये पूरा सेक्शन ऊँटों का है, यहाँ पर ऊँटों की बोली लगती है। ये देख लो दोस्तों दूर दूर तक काफी तक चुके हैं, मैं पर 7 करोड़ का घोड़ा अभी तक नहीं मिला, पता नहीं अब जाते वक्त मिल जाए तो, पर बाकी आपको 7 करोड़ का घोड़ा दिखाएंगे जरूर। तो दोस्तों अपने राजस्थान के फेमस कलाकार पन्ने से पट जी मिल चुके अपने ब्लॉग में, और आपके ब्लॉग में आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको जितने भी इस ब्लॉग को देख रहे हो आप सभी से निवेदन करूंगा पुष्कर राज के मेले में जरूर आए और घोड़ा घोड़ी ऊँटनी खरीदें। बधाई हो हमारे राजस्थान में, बाय। मैंने आपको इस ब्लॉग में पन्ने से पट जी से मिला है, बहुत फेमस कलाकार है हमारे राजस्थान के, प्रसिद्ध कलाकार है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, बहुत प्राचीन कलाकार है, अभी तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ रखी है बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो फाइनली दोस्तों बहुत देर में ढूंढने के बाद हमें मिल चुका है 7 करोड़ का घोड़ा। कौन सा भैया यही है ना? नहीं भाई कौन सा है? 7 करोड़ घोड़ा उधर है। तो पहले बता देते आप ये कितने का है? अनमोल चीजें हैं, अनमोल चीजें हैं, इनकी भी कीमत थोड़ी होती है यार भाई। फिर भी मतलब शौक नहीं, नहीं बेचने के लिए नहीं लाया। अच्छा डिस्प्ले के लिए कितनी उम्र है इसकी? इसकी भाई साहब स्टालिन हो गया, ये 4.5 साल का हो गया। और ये वाला ऑल ब्लैक काले कांटे का बच्चा है, काले कांटे का, इसका नाम है रणबाज। बैग बस के इधर रणबाज, इसका नाम है रणबाज, काले कांटे का बच्चा है। अच्छा काला कांटा कौन है? काला कांटा यानी काला कांटा जानने कोई पहचान का मोहताज नहीं है। अच्छा मतलब घोड़ों में वर्ल्ड में हॉर्स वर्ल्ड में काला कांटा टॉप पे आता है। अच्छा तभी तो इसका पैकिंग भी मतलब सबसे अलग कर रखी है, देखो सही इसकी मतलब औरों में तो ये अलग लगा रखे है, इसमें अलग प्रॉपर जाली लगा रखी। तो सुबह से घूम रहे हैं अभी तक 7 करोड़ का घोड़ा नहीं मिला है हमें, पर कुछ भी हो जाए 7 करोड़ का घोड़ा देख के ही जाएंगे, उसकी वीडियो बना के जाएंगे। अब और आगे आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा शायद से हमें, फिर जाके 7 करोड़ का घोड़ा मिलेगा दोस्तों। तो गाइस भैया की भैया ने कुल्फी खिलाई है हमें, बहुत अच्छी कुल्फी है भैया की, आप भी आओ तो कुल्फी खाना है यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? चेतन जी। भैया क्या नाम है, पूरा नाम सर नाम बताओ। चेतन जेठपुर, कहाँ से हो आप? ये है दोस्तों पर्वत घोड़ा, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा घोड़ा और इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा है। इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा है, कितनी उम्र है इसकी? 40 महीना है। हाँ 40 महीना, 40 महीने का ही है। इसकी हाइट कितनी? हाइट तो बहुत लंबी है और बहुत तरीज, फिर उचकता होगा जब कहाँ जाता होगा? बहुत हो जाता है, 150+ चला जाएगा। बहुत तरीन से किसका ये, कौन से इनका है? जगत गुरु अलवर वाले। अच्छा उनका है ये, बेचने के लिए थोड़ी है तो ऐसे ही है ना, दिखाने के लिए। तो गाइस फाइनली हमें 7 करोड़ का घोड़ा फरजान मिल चुका है दोस्तों, यही वो घोड़ा है जो 7 करोड़ रुपए बता रहे थे आज तक वाले। देख लो आप इसको करीब से, यही है। क्या नाम है भैया इसका? फरजान। कहाँ से आए ये? गुजरात से, राजकोट से। और इसके सुना है 4-4, 5-5 जने मतलब वो लग रहे हैं मुबार है, कोई घोड़ा है उतारने का। अच्छा घोड़ा उतारने गए। तो दोस्तों फाइनली हमें 7 करोड़ का घोड़ा मिल चुका है, देख लो राजवीर स्टड फार्म गुजरात का ही है। ये देखो दोस्तों ये है 7 करोड़ के घोड़े के श्रृंगार के सामान, इससे होता है उसका श्रृंगार, ऐसे कुछ इसके खाने के सामान परोसे जाते हैं इसमें, किसी इंसान को भी नहीं मिलता है इतना कुछ जितना इसको परोसा जाता है दोस्तों। और भाई साहब इस घोड़े के लिए हम सुबह से इतने घूम रहे हैं, 2 घंटे से तो पूरे मेले में घूम चुके हैं, पूरे घोड़ों के मार्केट में घूम चुके हैं और कोटा से यहाँ आ चुके हैं इसको देखने के लिए। 7 करोड़ रुपए घोड़े, फरजान नाम है दोस्तों इसका, गुजरात से आया, बहुत ही शानदार कमाल का घोड़ा है। देखो क्या शाइनिंग चमक रहा है, दूर से चमक मांग रहा है, चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है भैया बता रहे थे, अब पता नहीं है या नहीं है वो तो देखो, वाकई में घोड़ा तो है पर भाई। ठीक है गाइस चलते हैं अब यहाँ से आगे। तो बाय फरजान, जा रहे हैं हम इस यहाँ पशु मेले में घोड़ों के साथ साथ ऊँटों के साथ साथ और मतलब सभी जानवरों के साथ साथ इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ आ रही है भाई साहब, जी वैगन इधर से वो क्या कह रहे ब्लैक कलर की डिफेंडर फॉर्चुनर वगैरह तो नॉर्मल है, रेंज रोवर ओडी मर्सिडीज की सारी वेरायटी भाई साहब, मतलब जितने भी बड़े बड़े आदमी है ना जिनको मतलब घोड़ों का शौक होता है सब बड़े बड़े आदमी आए हुए हैं यहाँ। देख लो इसको एक पाड़ा, ये भी बहुत बड़ा, सब हाथ फेर रहे अपने खेल से, पब्लिक देखने के लिए परेशान, पीछे से छिकना छिकना शेविंग कर रहा है भाई।
Where are you from? Poland. And you? Ukraine. Ukraine. Hey, Ukraine say guys. Or and you? Where are you from? Poland. अच्छा Poland. तो गाइस ये है प्रोडक्ट जो अपने पुष्कर मेले में आते हैं, जो यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं खास तरीके से। I'm the YouTuber. Poland. आप your team? अच्छा This is my team. Yes, okay. तो गाइस आपको जो पहाड़ दिख रहा है उसमें माता सरस्वती का मंदिर है, वहाँ पर जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। अरे मैं तो नाम ही भूल रहा हूँ बार बार इसका यार, क्या नाम है? सोनलवा। गाइस बहुत अमेजिंग है यार सोनलवा, देखो ऐसा कुछ शेप है इसका, ऐसे जमा रखते हैं ये दोनों। ये काहे का बना हुआ है? अच्छा अच्छा, ये बेसन केसर का। और ये अच्छा 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 बिल्कुल सॉफ्ट है, इतना अमेजिंग लगा यार, बहुत मजेदार। जर्मनी जर्मनी इज लाइक क्या? वेयर आर यू योर टीम? अच्छा ओनली पुष्कर और प्लेसेस विजिट? अच्छा जयपुर हो क्या क्या? You visited Jaipur? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। I am little spoken English. अच्छा। Your speaking Hindi? Hindi? मोटा थोड़ा साइड हो। No. कोई बात नहीं कोई बात। तो guys मैंने आपको पुष्कर का सारा सिस्टम दिखा दिया है। आपको मंदिर पे भी ले गया पर बाकी दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, पुलिस वाला अंकल ने नहीं बनाने दी। बाकी दोस्तों मैंने आपको सेलिब्रिटी पन्नासे पर सभी मिला दिया है और फॉरनर के साथ भी फोटो खिंचवा लिया है और पूरा सीन दिखा दिया है, पूरा पशु मेला दिखा दिया है दोस्तों मैंने आपको। और गाइस इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया यार, पर बाकी थक भी चुके थे डायरेक्ट हम तो वहाँ से आके थक गए थे तो आके सो गए थे। अब एक आधा घंटा रेस्ट किया, अब उठ के थोड़ा नाइट फोटोशूट करेंगे झील के आसपास क्योंकि रात को हम आए थे ना, प्रॉपर लाइटिंग थी वहाँ पे। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और दोस्तों प्यार सम्मान जरूर देना यार, भाई लोग प्यार सम्मान देना, आप प्यार सम्मान दोगे तो और आगे जगह जाएंगे हम घूमने। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।